हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक 25,000 का पीसी बिल्ड। ये पीसी बिल्ड उन लोगों के लिए है जो गेमिंग का जो ये सेगमेंट है इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि गेम कितने FPS पे चलता है, बस बेसिक स्टार्ट करना चाहते हैं गेमिंग, और उनका बजट भी बहुत लो है। एंड ये जो है ये कोई बिल्ड वीडियो नहीं है, यहाँ पे मैं आपको पार्ट्स रिकमेंड कर रहा हूँ। बिल्ड मैं इसलिए नहीं दिखा सकता गाइस क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं, तो इसलिए मैं आपको बेंचमार्क भी जो है वो इस पीसी के आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का आइकन को भी दबा दें। आप करते हैं वीडियो को शुरू। क्या आपका माउस बॉटलनेक करता है आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को? तो आज ही खरीदो कॉर्सेयर M65 Pro RGB, क्योंकि ये बना है एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से। इसमें आपको देखने को मिलते हैं डेडिकेटेड स्नाइपर बटन फॉर परफेक्ट हेडशॉट, साथ ही साथ मिलते हैं लॉन्ग लास्टिंग ओमरॉन स्विचेस, पिक्सार्ट 33.6X गेमिंग ग्रेड सेंसर, एंड ये आता है सरफेस कैलिब्रेशन सपोर्ट के साथ एंड कस्टमाइजेबल RGB एज वेल। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो इस पीसी बिल्ड में आप 720p पे गेमिंग कर सकते हो, स्मूथ गेम प्ले कर सकते हो। मैं आपको 60 FPS की गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वही बात है कि यार 25,000 में तुमको 60 FPS चाहिए तो तुम्हें सेकंड हैंड पार्ट्स लेने पड़ेंगे, और मैं यहाँ पे सारे फर्स्ट हैंड पार्ट्स बता रहा हूँ। तो 60 FPS की गारंटी नहीं है, बट हाँ आपके 720p पे सारे गेम्स हैं वो स्मूथ चलेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। अगर आपको 60 FPS वाली गेमिंग चाहिए तो उसके लिए मैंने अलग सा एक पीसी बिल्ड बनाया हुआ है 40,000 का, 50,000 का, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस पीसी बिल्ड के लिए हम यूज करने वाले हैं AMD की तरफ से Ryzen 3 2200G। ये जो CPU है ये आता है 4 कोर 4 थ्रेड्स के साथ। इसके अंदर आपको Vega 8 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलता है, जो कि आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको फायदा देगा। तो ये जो CPU है ये आपको 7,700 के आसपास मिलेगा। प्राइस जो है वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है, तो आप उस हिसाब से देख लेना आपको कहां से मिलता है। आप ऑनलाइन ले सकते हो या ऑफलाइन ले सकते हो। हालांकि AMD के कुछ CPUs के साथ जो है वो गेम्स भी फ्री मिल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस CPU के साथ गेम मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं फ्री में, बट हाँ मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं इस वाले के साथ तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस प्रोसेसर को हम पेयर अप करने वाले हैं एक मदरबोर्ड के साथ। अब जैसे कि मैं बता दूं आपको, हमारा बजट सिर्फ 25,000 का है। मैं चाह के भी एक अच्छा मदरबोर्ड नहीं लगा सकता। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप एक B350 या एक एटलीस्ट एक सस्ता B450 मदरबोर्ड लें, ताकि आपको ओवरक्लॉकिंग मिल जाए ऑप्शन में एंड आपको फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन मिले, और आप जो है वो किसी Ryzen 5 या Ryzen 7 में जो है वो अपग्रेड कर सके। तो अगर बजट थोड़ा आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपना, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो एक B350 या B450 मदरबोर्ड लें एंड A320 ना लें। बट अब यहां पे हम स्ट्रिक्ट बजट के अंदर है 25,000 के, तो मैं यहां पे ले रहा हूं Gigabyte का A320M S2H मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड आपका आउट ऑफ द बॉक्स Ryzen 3 को सपोर्ट करेगा। A320 चिपसेट पे बेस्ड है, तो आप सिर्फ रैम ओवरक्लॉक कर पाएंगे, आप अपना CPU ओवरक्लॉक नहीं कर पाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बजट बढ़ा सकते हो तो एक एटलीस्ट MSI का B450 मोर्टार जैसा मदरबोर्ड ले लें, या कोई और B450 आपको जैसे एजरॉक के मदरबोर्ड है आप एजरॉक की तरफ भी जा सकते हो, आप एसुस जो भी प्रोनशिएट करना है, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उसकी तरफ भी जा सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन बजट कम है, 25,000 ही है, बढ़ा नहीं सकते हो बजट को, तो आपको A320 पे ही चिपकना पड़ेगा। एंड आपके पास ये जो मदरबोर्ड है आपको 3,800 के आसपास मिल जाएगा, 3,800-3,900, डिपेंड करता है किस वेबसाइट पे कहां पे आप चेकआउट कर रहे हो इसको। तो रैम जो है वो रैम हम यहां पे यूज करने वाले हैं 8GB की। अब 8GB हम यहां पे यूज करेंगे, मैंने तो देखो वीडियो में जो आपको दिख रही है ये 8GB की XT के 3000 MHz की, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कॉर्सेयर की जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रही है अमेज़न पे, ये 4GB की XT के, इसके दो मॉडल्स आप ले लें तो आपके पास टोटल 8GB हो जाएगी। दो स्टिक 4GB लेने से ये होगा कि आपकी रैम डुअल चैनल में चलेगी, आपको बैंडविड्थ ज्यादा मिलेगी, आपके APU को जो है वो बैंडविड्थ से परफॉर्मेंस में इंक्रीज मिलेगा, एंड आपको एक सिंगल 8GB के मुकाबले ये वाली जो 4GB की दो स्टिक्स हैं इनमें ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपकी गेमिंग में। ये एक APU में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एक APU में PC बिल्ड कर रहे हो तो आप डुअल चैनल मेमोरी एंड हाई स्पीड मेमोरी का यूज करें। तो यहां पे अगर आप ये 2400 MHz की कॉर्सेयर की रैम लेते हैं तो आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो 3000 MHz पे। अगर आपकी सिलिकन लॉटरी निकली, आपका मदरबोर्ड CPU सब कुछ अच्छा निकला, तो आप जो है वो शायद उससे ऊपर भी ओवरक्लॉक कर सकते हो। एंड मैं पर्सनली इस रैम को यूज करता हूं एंड मेरी जो रैम है ये 3400 MHz तक ओवरक्लॉक होती है, तो वो चीज आप कर सकते हो। मैंने रैम ओवरक्लॉकिंग के ऊपर वीडियो बनाई है, आप जाकर उसको चेकआउट भी कर सकते हो। तो मैं यहां पे ये लेने वाला हूं, या फिर अगर आपको और ऑप्शन चाहिए तो यहां पे आपको स्क्रीन पे एक और मैंने डील दिखाई है, ये है क्रूशियल की बैलिस्टिक्स, ये भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी 5,000 के आसपास, 4GB की दो स्टिक्स 2400 MHz की, डिपेंड करता है आपको कौन से ब्रांड के साथ ट्रस्ट है,
है, कौन सी आपको लुक्स में अच्छी लग रही है आपके सेटअप के साथ, तो उसके साथ आप जा सकते हो। अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज में तो मैंने 1 TB की नॉर्मल सीगेट बैराक्यूडा यूज करी है, 1 TB की हार्ड ड्राइव, क्योंकि अगेन आप ये पीसी बिल्ड गेमिंग के लिए कर रहे हो, तो गेम आप 50-50 GB का एक गेम होता है यार गाइस। अगर मैं आप एक 120 GB की, अब देखो हमारा बजट कम है, 25,000 का बजट है, तो हम एक SSD और एक हार्ड ड्राइव दो चीजें नहीं ले सकते, हम दोनों में से एक ही चीज ले सकते हैं। अगर मैं 120 या 240 GB की SSD लूं, तो यार देखो गाइस अगर तुम उसके अंदर दो गेम डालोगे ना, एक GTA 5 डालते हो फॉर एग्जांपल और एक डालते हो डेविल मे क्राई 5, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, दो गेम भी आप इंस्टॉल करते हो ना उसके अंदर, तो 100 GB के तो वो सिर्फ गेम हो गए। उसके अंदर क्या आप विंडो इंस्टॉल करोगे, क्या आप उसके अंदर ड्राइवर इंस्टॉल करोगे, क्या आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर जैसे VLC, क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब जो होते हैं ये इंस्टॉल करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि यार एक बजट के अंदर जो है वो SSD लेना प्रेफरेबल है। अगेन पर्सनल चॉइस है, आपको SSD लेनी है, मैं आपको रोक नहीं रहा, आप ले सकते हो SSD, बट मैं यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव रिकमेंड करूंगा कि आप 1 TB की हार्ड ड्राइव लें, है ना। तो इसके बेंचमार्क्स आपको आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेंगे। अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं बेंचमार्क एंड बिल्ड वीडियो एक साथ नहीं दिखा सकता हूं, ठीक है, तो ये चीज जरा ध्यान में रखें। एंड ये एक 4 कोर का CPU है, मैं पर्सनली Ryzen 3 1200 यूज करता हूं। अगर आप एक यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई टेक चैनल खोलना चाहते हैं, तो आप जो है वो इस PC पे बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एक Ryzen 3 यूज करता हूं 1200 जो कि 4 कोर 4 थ्रेड है। ये वाला जो है मेरे CPU से थोड़ा सा फास्टर है, क्योंकि इसकी क्लॉक स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, एंड इसके पास IGPU है, मेरे वाले CPU पे IGPU नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जो ये वीडियो रेंडर कर रहा हूं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मैंने इसी CPU से बनाई है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो एडिटिंग में कोई दिक्कत आने वाली है, मैं यूज करता हूं, आप यूज कर सकते हो, उल्टा ये वाला तो मेरे वाले से भी थोड़ा फास्ट है, तो आपको परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगा, आपको कोई वीडियो एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। गेमिंग जो है वो 720p पे आपको करनी पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं पावर सप्लाई एंड कैबिनेट की। तो यहाँ पे कैबिनेट और पावर सप्लाई हम यूज करने वाले हैं कॉर्सर की तरफ से आने वाला Speco 5। अब जो Speco 5 है ये पावर सप्लाई एंड उसका एक कॉम्बिनेशन है, तो आपको एक ही कॉम्बो के अंदर जो कैबिनेट मिलेगा उसके अंदर आपको VS550 जो पावर सप्लाई है वो देखने को मिलेगी। ये नई वाली VS550 है, वाइट वाली, ठीक है, तो ये 80+ वाइट है, एंड आपको क्योंकि 550 वाट की पावर सप्लाई है, तो आप इस CPU में अगर फ्यूचर में कोई ग्राफिक कार्ड लगाना चाहें, तो फ्यूचर में आप जो है वो राइजन अपने इस राइजन 3 के साथ आप जो है वो 1650, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा 1650, बट 1650 1050 Ti, हालांकि 1050 Ti भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, RX 570 आप लगा सकते हो, जो जो मतलब आपके ऊपर है, आपको जो ग्राफिक कार्ड अच्छा लगे आप वो लगा सकते हो, जब तक वो आपको बॉटलनेक ना कर रहा हो। लगाने के लिए आप चाहो तो आप 1050 Ti भी लगा सकते हो, बट फिर वही बात है कि तुम 7000 के CPU के साथ 1050 Ti लगा रहे हो, तो पावर सप्लाई मोर देन इनफ है। कैबिनेट में साइड पैनल विंडो है, कॉर्सर जैसे रेप्यूटेड ब्रांड की तरफ से आता है। ये था आज का 25,000 का PC बिल के लिए कंपोनेंट्स। आपको ये बिल कैसा लगा, क्या आप एक 25,000 का PC बिल करने वाले हो, एंड 25,000 के PC बिल में आपका मेन पर्पस क्या है, गेमिंग या एडिटिंग। एंड उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।